इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं माइक्रोब्स इन अ सीवेज ट्रीटमेंट। माइक्रोब्स का रोल क्या है सीवेज ट्रीटमेंट में, ये हम लोग देख रहे हैं। चैप्टर क्लास ट्वेल्व के चैप्टर 10 का ये तीसरा पॉइंट है, ये तीसरा टॉपिक है माइक्रोब्स इन अ सीवेज ट्रीटमेंट। इसमें हम लोग देखेंगे कि सीवेज के ट्रीटमेंट में माइक्रोब्स का क्या रोल है। करें वी नो दैट द लार्ज क्वांटिटी ऑफ सीवेज वाटर आर जनरेटेड एवरी डे इन अ सिटीज एंड टाउन। हम लोग कह रहे हैं ये कि प्रतिदिन जो है सीवेज जो है जनरेट होता है, वेस्ट वाटर जनरेटेड इन अ सिटीज एंड टाउन। कह रहा है कि मेजर कंपोनेंट ऑफ वेस्ट वाटर इज ह्यूमन एक्सक्रीटा। ये जो ह्यूमन एक्सक्रीटा है ये है। कह रहा है कि दिस म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर इज ऑल्सो कॉल्ड सीवेज। कह रहा है कि वेस्ट वाटर जो है, म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर जो है, इसको सीवेज हम लोग कहते हैं, सीवेज। कह रहा है इट कॉन्टेन, इसमें क्या क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, इसके अलावा माइक्रोब्स भी होता है। कह रहा है कि मेनी ऑफ विच आर पैथोजेनिक, बहुत सारे जो हैं ये पैथोजेनिक हैं। हैव यू एवर वंडर्ड वेयर दिस ह्यूज क्वांटिटी ऑफ सीवेज और अर्बन वेस्ट वाटर इज डिस्पोज ऑफ डेली। कह रहा है कि इतनी बड़ी मात्रा में जो सीवेज है इसको कहाँ फेंका जाता है, डेली कहाँ डिस्पोज किया जाता है। कह रहा है आगे कि दिस कैन नॉट बी डिस्चार्ज इनटू नेचुरल वाटर बॉडीज लाइक रिवर एंड स्ट्रीम डायरेक्टली। कह रहा है कि इसको कैन नॉट बी डिस्चार्ज, इसको नहीं डिस्चार्ज करना चाहिए डायरेक्टली नदी व स्ट्रीम्स में। यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई, कह रहा है कि आप समझ सकते हैं क्यों नहीं करना चाहिए। कह रहा है कि बिफोर डिस्पोजल, इसको नदी नाले में गिराने के पहले सीवेज जो है, सीवेज ट्रीटेड इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में इसको ट्रीटमेंट करना होता है। क्यों करना होता है, टू मेक इट लेस पॉल्यूटिंग, इसको कम हार्मफुल बनाने के लिए इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। करा ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इज डन बाय, करा कि जो वेस्ट वाटर है उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। कह रहा है कि हेटरोट्रॉपिक माइक्रोब्स नेचुरली प्रेजेंट इन द सीवेज, ये हेटरोट्रॉपिक माइक्रोब्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, सीवेज में। कह रहा है कि दिस ट्रीटमेंट इज कैरिड आउट इन टू स्टेजेस, दो स्टेज में ये ट्रीटमेंट को किया जाता है। ये पहले तो हम लोग देख लें, एक डायग्राम है ये डायग्राम जो है, कह रहा है कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट यहाँ पे ये हो रहा है फिगर 10.6 में, सेकेंडरी ट्रीटमेंट ये यहाँ पे हो रहा है। और कोई डायग्राम है सीवेज प्लांट का, ये कह रहा है कि एरियल व्यू है, ये एरियल व्यू है, एरियल व्यू ऑफ सीवेज प्लांट का ये दिखा रहा है ये, और इससे रिलेटेड डायग्राम इसमें नहीं है। तो एरियल व्यू ऑफ सीवेज प्लांट है, ये एक सीवेज प्लांट है हम लोगों ने देखा। इसके अलावा जो है एक सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो है यहाँ पे है, इसका एक फोटो है, ये डायग्राम है यहाँ पे, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो कह रहा है कि ट्रीटमेंट इज कैरीड आउट टू स्टेजेस, दो स्टेज में ये ट्रीटमेंट कैरीड आउट होता है। एक प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है, यहाँ पे हम लोगों ने देखा एक प्राइमरी ट्रीटमेंट है, और जो है दूसरा जो है यहाँ पे एक सेकेंडरी ट्रीटमेंट है। तो दो स्टेजेज होती हैं सीवेज ट्रीटमेंट की, दो स्टेजेस हैं। तो क्या क्या दो स्टेजेस हैं, पहला है प्राइमरी ट्रीटमेंट और दूसरा है सेकेंडरी ट्रीटमेंट, दूसरा सेकेंडरी ट्रीटमेंट है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट को बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं। तो हम लोग देखते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट के बारे में, हम लोग देख रहे हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट के बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट के बारे में बता रहे हैं यहाँ पे कि दिस ट्रीटमेंट स्टेप्स बेसिकली इन्वॉल्व फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स लार्ज एंड स्मॉल फ्रॉम द सीवेज, कैसे, थ्रू फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। कह रहा है कि प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या करते हैं हम लोग, कह रहा है कि
जो लार्ज या स्मॉल, छोटे या बड़े जो भी सीवेज में आते हैं, पार्टिकल्स आते हैं, उसको फिल्ट्रेशन करते हैं और सेडिमेंटेशन के थ्रू हम लोग अलग करते हैं। तो इसमें दो प्रोसेस होती हैं, एक फिल्ट्रेशन हो गया और दूसरा जो है सेडिमेंटेशन हो गया। कह रहा है कि दीज आर रिमूव्ड इन स्टेजेस, स्टेज वाइज इसको जो है रिमूव किया जाता है। इनिशियली शुरू में कर रहा है कि फ्लोटिंग डेब्रिस जो पानी में तैरता है, फ्लोटिंग इज रिमूव्ड बाय सिक्वेंटियल फिल्ट्रेशन, फिल्टर करते हैं जाली लगा के। देन द ग्रीट सॉयल एंड स्मॉल पीबल्स आर रिमूव्ड बाय सेडिमेंटेशन। तो जो छोटे छोटे हैं, देन द ग्रीट जो है, ग्रीट क्या है, ये सॉयल एंड स्मॉल पीबल्स हैं, इसको रिमूव किया जाता है। कैसे रिमूव किया जाता है? सेडिमेंटेशन से रिमूव किया जाता है। अब हम लोग आगे देखते हैं, ऑल सॉलिड्स एंड सटल फॉर्म द प्राइमरी स्लज। ये इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी स्लज जो है टर्म, ये इंपॉर्टेंट है। करा ऑल सॉलिड दैट सटल फॉर्म द प्राइमरी स्लज। जो सॉलिड टाइप की चीज़ें होती हैं वो नीचे सटल कर जाती हैं और बनाती हैं, क्या बनाती हैं, ये प्राइमरी स्लज बनाती हैं। एंड सुपरनेटेंट फॉर्म द इफ्लुएटेंट, इफ्लुएंट। और कह रहा है कि जो पानी ऊपर बच गया सुपरनेटेंट फॉर्म, वो इफ्लुएंट बनाती हैं ये। कह रहा है कि द इफ्लुएंट फ्रॉम द प्राइमरी सेटिंग टैंक इज टेकन फॉर सेकेंडरी ट्रीटमेंट। कह रहा है कि जो इफ्लुएंट है, प्राइमरी हो गया, अब इसको सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए लाया जाता है। अब ये बता रहा है कि सेकेंडरी और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के बारे में ये बता रहा है कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो है इसको हम लोग बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं। कह रहा है कि द प्राइमरी इफ्लुएंट इज पास्ड इनटू ए लार्ज एरिएशन टैंक, ये 10.6 जो डायग्राम है उसमें ये बता रहा है, वेयर इट इज कॉन्स्टेंटली एजिटेटेड, उसको घुमाया जाता है उस पानी को मैकेनिकली, उसको बार बार घुमाया जाता है। एंड एयर इज पम्प्ड इनटू इट, और पानी में एयर को दिया जाता है पंप के सहारे। कह रहा है कि दिस अलाउज विगरस ग्रोथ ऑफ यूजफुल एरोबिक बैक्टीरिया इनटू फ्लॉक्स। कह रहा है कि ये जो हवा दिया जाता है, दिस अलाउज विगरस ग्रोथ ऑफ यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स इनटू फ्लॉक्स। तो वो जो है एरोबिक बैक्टीरिया काफ़ी ग्रो कर जाता है, क्या ग्रो करता है, एरोबिक माइक्रोब्स ग्रो कर जाता है। किसमें ग्रो करता है, इनटू फ्लॉक्स, फ्लॉक्स, ये टर्म्स जो है ना, फ्लॉक्स याद रखना है हम लोग को, ये टर्म याद रखना है। ये फ्लॉक्स क्या होती हैं, अब ये पूछता भी है कि ये फ्लॉक्स क्या होती हैं। तो फ्लॉक्स जो है मासेस ऑफ बैक्टीरिया होती हैं एसोसिएटेड विथ द फंगल फिलामेंट टू फॉर्म मेस लाइक स्ट्रक्चर। तो फ्लक्स क्या है, ये इसमें मासेस ऑफ बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है और एसोसिएट विथ फंगल फिलामेंट टू फॉर्म मेस लाइक स्ट्रक्चर ये कर रहा है। आगे बता रहा है कि वाइल ग्रोइंग दिस माइक्रोब्स कंज्यूम द मेजर पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर इन द इफ्लुएंट। जो इफ्लुएंट था उसमें जो मेजर ऑर्गेनिक पार्ट था वो जो है ये मेसलाइक स्ट्रक्चर फ्लक्स जो है वो कंज्यूम कर लेता है। उसके बाद बता रहा है कि दिस सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द बीओडी पूछता है, बीओडी क्या है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ द इफ्लुएंट। कह रहा है कि बीओडी रेफर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट वुड बी कंज्यूम्ड इफ ऑल द ऑर्गेनिक मैटर इन 1 लीटर ऑफ वाटर आर ऑक्सीडाइज बाई बैक्टीरिया। इसके बाद बता रहा है कि सीवेज वाटर इज ट्रीटेड टिल बीओडी इज रिड्यूस्ड। सीवेज को तब तक ट्रीट किया जाता है टिल द बीओडी इज रिड्यूस्ड, जब बीओडी उसका रिड्यूस्ड हो जाता है। कह रहा है कि द बीओडी टेस्ट मेजर द
rate of uptake of oxygen by microorganisms in a sample of water, and thus indirectly BOD is a measure of the organic matter present in the water. Greater the BOD of wastewater, more is its polluting potential. अगर BOD ज़्यादा है तो उसका मतलब है more is its polluting potential. तो BOD से ही जो है हम लोग पता लगाते हैं कि water की condition क्या है. अब जो है next step क्या करेंगे हम लोग, करा कि once the BOD of sewage और वेस्ट वाटर इज रिड्यूस्ड, कम हो जाता है सिग्निफिकेंटली, द एफ्लुएंट इज देन पास्ड इनटू सेटिंग टैंक वेयर बैक्टीरियल फ्लॉक्स आर अलाउड टू सेटल. सेटिंग टैंक में जाता है जहाँ पे ये फ्लॉक्स जो है वो नीचे बैठ जाते हैं. करा कि दिस सेडिमेंट इज कॉल्ड एक्टिवेटेड स्लज. इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्टिवेटेड स्लज. एग्जाम में पूछता है वॉट इज एक्टिवेटेड स्लज. करा है कि ए स्मॉल पार्ट ऑफ द एक्टिवेटेड स्लज इज पम्प्ड बैक इनटू द एरिएशन टैंक टू सर्व ऐसे इनोकुलम. इनोकुलम के रूप में इसको यूज किया जाता है बार बार. करा है द रिमेनिंग मेजर पार्ट ऑफ स्लज इज पम्प्ड इनटू ए लार्ज टैंक कॉल्ड एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर. एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में फिर भेजते हैं. हेयर अदर काइंड, यहाँ पे जो है दूसरे तरह के अदर काइंड ऑफ बैक्टीरिया विच ग्रो एनारोबिकली डाइजेस्ट द बैक्टीरिया एंड द फंजाई इन द स्लज. स्लज में जो है डाइजेस्ट हो जाते हैं. करें कि ड्यूरिंग डाइजेशन ना बैक्टीरिया प्रोड्यूस ए मिक्सचर ऑफ गैसेस सच एस मीथेन हाइड्रोजन सल्फाइड कार्बन डाइऑक्साइड. दिस गैसेस फॉर्म बायोगैस, ये बायोगैस बनाते हैं. एंड कैन बी यूज एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी एज इट इज इनफ्लेमेबल. करा इसके थ्रू जो है बायोगैस भी बनाया जा सकता है. आगे बता रहा जाए कि इफ्लुएंट फ्रॉम द सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट इज जनरली रिलीज्ड इनटू नेचुरल वाटर बॉडीज लाइक ए रिवर एंड स्ट्रीम्स. कह रहा है कि एरियल व्यू ऑफ सच ए प्लांट इज सोन इज 10.7 हम लोग देखे थे. ये क्या है, एरियल व्यू ऑफ सीवेज प्लांट ये है. तो इस तरह से है, इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो है करना है. हम लोगों ने दो दो डायग्राम देखा. अब इसके बारे में थोड़ी बहुत बातें ये देखते हैं. कह रहा है यू कैन अप्रिसिएट, कराए कि आप जो हैं अप्रिसिएट कर सकते हैं हाउ माइक्रोब्स प्ले ए मेजर रोल इन ट्रीटिंग मिलियन ऑफ गैलन ऑफ वेस्ट वाटर एवरी डे अक्रॉस द ग्लोब. कैसे जो माइक्रोब्स जो हैं पानी को प्यूरिफाई करते हैं. दिस मेथडोलॉजी हैज़ बीन प्रैक्टिसाइज्ड फॉर मोर देन ए सेंचुरी नाउ इन ऑलमोस्ट ऑल पार्ट ऑफ वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड के पार्ट में ये इस तरह का ये यूज़ होता है. करा टिल डेट नो मैन में टेक्नोलॉजी हैज़ बीन एबल टू रिवल द माइक्रोबियल ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज. करा कि सीवेज के ट्रीटमेंट करने के लिए और कोई आर्टिफिशियल मैथड नहीं हुआ है अभी तक. हम लोग टिल डेट तक इसी से हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से प्योर करते हैं. आगे बता रहा है कि यू आर अवेयर, आप अवेयर होंगे दैट ड्यू टू इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन जो शहरीकरण हो रहा है सीवेज इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन मच लार्जर क्वांटिटी देन इवन बिफोर. आजकल जो है हम लोग देख रहे हैं अर्बनाइजेशन की वजह से क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटीज ऑफ सीवेज जो है हो रही हैं. सीवेज बहुत बड़ी मात्रा में बन रही है. करा कि हाउ एवर द नंबर ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हैज़ नॉट इंक्रीज इनफ टू ट्रीट सच लार्ज क्वांटिटीज. करा है कि सीवेज तो बढ़ गया है लेकिन ट्रीटमेंट प्लांट को हम लोगों ने अभी तक नहीं बढ़ाया है, इसको बढ़ाने की ज़रूरत है. करा है कि सो अनट्रीटेड सीवेज इज ऑफन. करा है कि कभी कभी हम लोग ऑफन कभी कभी अनट्रीटेड सीवेज को भी जो है डायरेक्टली हम लोग डाल देते हैं. कहाँ पर डाल देते हैं, हम लोग रिवर में डाल देते हैं. किस में डाल दे रहे हैं,
रिवर में डाल दे रहे हैं। इसके कारण क्या हो जा रहा है? रिवर में डाल दे रहे हैं, इसके कारण वहाँ पॉल्यूशन हो जा रहा है। और क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। क्या चीज़ में इंक्रीज कर रहा है? वाटर बॉर्न डिजीज इंक्रीज कर रहा है। और ये और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये बार बार जो है ये पूछता है एग्ज़ाम में भी, इसलिए हम लोग ध्यान देंगे। कह रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, कौन सा मिनिस्ट्री? इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट, ये मिनिस्ट्री जो है इनिशिएटेड, ये क्या किया है? शुरुआत किया है। क्या चीज़ शुरुआत किया है? गंगा एक्शन। गंगा एक्शन इन्होंने प्लान शुरुआत किया है। इसके अलावा क्या शुरुआत किया है? यमुना एक्शन प्लान इन्होंने शुरुआत किया है। क्यों किया है शुरुआत? करा है टू सेव दिस मेजर रिवर ऑफ आवर कंट्री, अपनी देश की जो ये नदी है इसको बचाने के लिए। क्या चीज़ से बचाने के लिए? पॉल्यूशन से बचाने के लिए। करा है कि अंडर दिस प्लान, इस प्लान के अंतर्गत इट इज प्रपोज टू बिल्ड ए लार्ज नंबर, इस प्लान के अंतर्गत बहुत बड़ी मात्रा में जो है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने की योजना है। नॉट ओनली ट्रीटेड सीवेज में बी डिस्चार्ज इन द रिवर, सो दैट ट्रीटेड सीवेज जो है उसी को डिस्चार्ज करेंगे हम लोग। कहाँ डिस्चार्ज करेंगे? रिवर में। करे विजिट टू सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट सिचुएटेड इन एनी प्लेस नियर यू वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड एडुकेटिंग एक्सपीरियंस। कह रहा है कि जब भी कभी मौका मिले तो हम लोग को देखना चाहिए। क्या देखना चाहिए? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को देखना चाहिए। तो इसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो ये एरियल व्यू ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है। और नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, बायोगैस का प्रोडक्शन कैसे होता है।